इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। घरुल्लाह की नजर और न्याज हराम है। अल्लाह के अलावा किसी हस्ती और शख्सियत के नाम की न्याज हराम है, और इतनी हराम है उतना खिंजीर भी हराम नहीं। गैरत का मसला है, ये ईमान का मसला है, ये बख्शिश का मसला है, ये निजात का मसला है, ये फिरका वराना बात नहीं। फिरका वराना, एक आदमी कुफर करे और हम कहें कि ये फिरका वरी है, एक आदमी लानिया शिरक करे और करवाए और हम कहें कि ये फिरका वरी है। शिरक बयान करना फिरका वरी है, तौहीद बयान करना फिरका वरीयत नहीं है, ये दीन है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक जख्मी हुआ। अगर ये तौहीद का बयान फिरकावरियत होता तो फिर सबसे पहले किसने बयान किया है? क्या किस जुर्म के बदले तह वाले पत्थर मारे थे नबी अलैहिस्सलाम? ये फिरकावरियत नहीं, तौहीद अमन है, तौहीद इस्लाम है। शिर्क फितना है, और शिर्क जो है ये कुफर भी है, फितना भी है, और शिर्क जो है ये सबसे बड़ा बड़ी फिरकावरियत। तौहीद इस्लाम दीन है, अमन है, सुकून है, निजात है। इसमें नजर अल्लाह की, नियाज अल्लाह। आपने फरमाया जाओ जानवर वहां जबा करो अगर वहां कोई मेला नहीं होता। आजकल सारे जानवर मेलों पे जबा होते और सारे मलंग और सारे मुजावर इसी पे गुजारा करते, और ये आज का शिर्क नहीं है। इससे पहले असल में लोगों के जहनों में ये बात डाल दी गई है कि वो बुतों के पुजारी थे, हम नबी और औलिया के नाम पे नजर दे रहे, वो तो बुतों की दे। जब तक ये बुत आपके जहन से नहीं निकलते, नहीं निकाले जाते, और ये आपका फर्ज है। हमारी दावत, हमारी आवाज मसाजिद और महलका एक हलके तक महदूद है। आप पूरे इलाके में जा रहे हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, उठना बैठना है, आप पर फर्ज है, अकीदा है, तौहीद का वास। वो दोस्ती हराम है जिस दोस्ती में तौहीद का वास ना हो, तड़प ना हो कि मैं इसकी तौहीद दुरुस्त करूं, इसका शिर्क का इसके वजूद से खत्म हो। ये खैरखाई है और यही दोस्त, ये जरूरी है। हर दोस्त को ये बात पहुंचाइए, आप पर कर्ज है और आप पर वाजिब है कि इस मेरी बात को दूसरों तक पहुंचाए। जो कहते हैं कि वो बुतों के पुजारी थे, वो बुतों के नाम पे जानवर जबा करते थे, हम तो वलियों और बुजुर्गों के लिए करते। आप उन्हें कहें कि अल्लाह के बंदो, वो भी वलियों के लिए करते। ये लात, ये उज़ा, ये मनात, ये नेक बंदे जिनके बुत शक्लें बना के उन्हें रखी हुई थी, ये वली थे। लात कौन था? जो सत्तू पिलाता था हाजियों, खिदमत करता था हाजियों। वो फौत हो गया, लोगों ने वहां देखे और वहां पर छबीले लगाना शुरू की कि यहां वो लगाता था लिहाजा हम भी लगाएंगे। उसकी याद दादा रही, अब याद दादा रही, कुछ अरसा तो अल्लाह के नाम पे चलता रहा। बाद में जब नई कौम आई, उन्होंने कहा यहां लात था, उसका तस्वीर भी बना ले और उसी के नाम पे ये हम नस्लें जब तब्दील होती गई, तब्दीली आती गई, नए लोग आते गए, बुजुर्ग जाते रहे, तो शिर्क शुरू हो गया, उन्हीं के नाम पे सबीले शुरू हो, आज तक वो जारी। नजर अल्लाह की, नियाज सैयदना हुसैन। नजर अल्लाह की, नियाज अली असगर के नाम। नजर अल्लाह की, नियाज अली। नजर अल्लाह की, कुंडे जो है वो इमाम जावर सादिक। नजर अल्लाह की, नियाज बुजुर्ग। नजर अल्लाह की, नियाज जो है फला हस्ती और शख्सियत और पीर अब्दुल कादिर जिलानी। ये ग्यारहवीं क्या है? नजर अल्लाह की, नियाज पीर अब्दुल कादिर जिलानी। इस तरह सारी चीजें जारी, और ये आज का नहीं, कुरान ने कितने सौ साल पहले कहा था कि मुशरिकीन क्या करते। पढ़िए सूरतुल अनाम में अल्लाह ताला इसकी वजह वजअलू लिल्लाह मिम्मा ज़रा मिनल हर्स वल अनाम नसीबा, कि वो मुशरिक खेती में से, फसलों में से और जानवरों में से अल्लाह के लिए हिस्सा मुकर्रर करते। कौन मुशरिक? इनका जिक्र हो रहा है, मुशरिकीन का। सूरतुल अनाम है, आठवां पारा है, गौर से जाके घर में इस आयत को पढ़िए और समझिए।
अल्लाह के लिए तौहीद को तो पढ़ ले, इस पर तो ईमान है, निजात है, बख्शिश है, जन्नत है। वो क्या करते हैं, अल्लाह ताला का कुरान कि वो अपने फसल में से मुशरिकीन मक्का पुराने मुशरिक जिन्हें हम मुशरिक कहते हैं और मानते हैं, चलो इस पर तो इत्तेफाक है ना, आज के बारे में तो हम नहीं कहते, नहीं मानते, हम कहते भी रहे, दूसरा कहेगा हम मुशरिक नहीं है, दूसरा तीसरा कहेगा हम मुशरिक नहीं है, चलो मुशरिकीन मक्का वो तो बिल इत्तेफाक मुशरिक, अबू जाल के मुशरिक होने में किसी मसले को शक है नहीं, सारे मुसलमान कहते हैं कि वो मुशरिक, चलो उस मुशरिक की बात करते, कुरान क्या कह रहा है कि वो मुशरिकीन जो हुजूर के जमाने में थे वो क्या करते थे, फरमा अपनी कमाई में से, फसल की कमाई, जमीन की कमाई, खेती की कमाई और चौपायों में से वो अल्लाह के लिए हिस्सा मुकरर करते, अल्लाह के, और क्या कहते, बकालू हाजा लिल्लाह, ये हिस्सा, ये ढेरी, इसमें से इतने तीन हिस्से कर लेते, एक हिस्सा फसल आता, तीन ढेरियां कर लेते, ये ढेरी हमारे लिए, अपने लिए, ये हिस्सा अल्लाह के लिए, हाजा लिल्लाह, ये अल्लाह के लिए, हाजा लिल्लाह बिज़ामिहिम, अल्लाह कहता है उनके ख्याल में, उनका गुमान ये था, ख्याल ये था, उनका अकीदा ये था, नजरिया ये था कि ये हिस्सा अल्लाह के लिए, वहादा लिशुरकाइना, और ये हिस्सा हमारे बुजुर्गों की, जिन्होंने ये फसल उगाया, जिन्होंने ये पढ़ाया, जिन्होंने ये सब कुछ बनाया, जिनकी दुआओं से सदका हमें सब कुछ मिला और जिनकी वजह से सारा कुछ हुआ, जिन्होंने अल्लाह से लेके दिया, ये जो वसीला जरिया है, ये न्याज उनकी, अब इसका माना क्या होगा, हाजा लिल्लाह वहादा लिशुरकाइना, नजर अल्लाह की, न्याज लात उज़्ज़ा मनात, कुरान कह रहा है ये अल्लाह का, ये बुजुर्गों, ये अल्लाह का, ये लात, ये मनात का, ये हुबुल का, ये बुजुर्गों का, जिन उसे निकालो कि ये बुजुर्ग थे, ये सालिहीन थे, ये नेक लोग थे, उनके बुत खड़े करके ये पूछते थे, हम उनको कब्र में दफन करके पूछते हैं, वो खड़ा करके पूछते, बस इतना फर्क है कि वो बुजुर्गों की बुत बना के खड़ा करके पूछते थे, हम बुजुर्गों को इज्जत के साथ दफन करके फिर उस कब्र को पूछते।